कि सब अप्रत्याशित चीजों के लिए तैयार रहिए, और ये समझ जाइए कि ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए चीजें की जा रही हैं, वोट के लिए की जा रही है। तो ये कुछ ना कुछ चुनाव से पहले करेंगे, जो इनकी फितरत है, जो इनकी आदत है, जो गुजरात में करते रहे, देश में करते रहे। ना धमकियों से डरता हूं, ना मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह है। और एक चीज और मैं आपके जरिए कह दूं, कोई भी अटेम्प्ट अगर मेरी जिंदगी पे होता है तो मेरे लोग इनसे ऐसा बदला लेंगे कि याद रखेंगे, तो मेरे लोग इनसे ऐसा बदला लेंगे कि याद रखेंगे, उसके बाद ये भी नहीं बचेंगे। तो इनको सावधानी के साथ डील करना चाहिए। पुलवामा का जहां तक ताल्लुक है, पुलवामा पे जब मैं बोला, पहले मैं कोई चीजें बोलता था तो कोई रिएक्ट नहीं करता था सरकार का आदमी, लेकिन पुलवामा बोलने के बाद सम्मानित गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा कि जब ये गवर्नर थे तब क्यों नहीं बोले थे, तो मैं उनकी याददाश्त खुरचना चाहता हूं कि मैं पुलवामा होने के 2 घंटे के अंदर अंदर मैंने 2 चैनल्स को इंटरव्यू दे दिया था और ये कह दिया था कि इसमें हमारी भी गलती रही है, हमारी नाकामयाबी रही है जिसकी वजह से ये हुआ। और जब प्रधानमंत्री जी का फोन मुझे आया, चूंकि वो अनएक्सेसिबल थे, वो नेशनल कॉर्बेट पार्क में थे और उनके पास ये बहाना था कि वहाँ फोन अलाउड नहीं है, तो उनका फोन आया, मुझे ये घटना हुई है 3:30 बजे, 5 बजे उनका फोन आया और उन्होंने पूछा क्या हुआ। तो मैंने बताया कि साहब इस तरह से हमारे इतने जवान शहीद हो गए और ये हमारी गलती की वजह से हुआ, हमारी लापरवाही की वजह से हुआ। तो उन्होंने मुझे तत्काल कहा कि सतपाल इस पे बिल्कुल चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। फिर 2 घंटे बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं अजीत डोभाल साहब, वो मेरे क्लास फेलो भी रहे लॉ में, हम साथ पढ़ते थे, उनका फोन आया कि सतपाल भाई इस पे कुछ बोलना नहीं है आपको। मैं समझा शायद ये कोई जांच वांच कराएंगे, तो मैं उसको प्रिजुडिस नहीं करना चाहता था, मैं नहीं बोला। लेकिन आज तक ना कोई जांच हुई है, ना कुछ बताया गया है, ना कोई पब्लिक डोमेन में कोई चीज आई है, और उसको दफन करके पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि चुनाव में वही चीज सूट करती थी, तो उसका पूरा चुनाव के लिए इस्तेमाल किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन 5:30 बजे एक मीटिंग एड्रेस की रुद्रपुर में इलेक्शन की टेलीफोन से, उसमें भी पुलवामा का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। इनको जो करना चाहिए था इन्होंने कोई काम उस तरफ नहीं किया, वो सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान की तरफ मोड़ा और फिर कहा कि हम अंदर घुस के मारेंगे। और वो पूरा चुनाव, पूरे चुनाव उनकी आप देखेंगे प्रधानमंत्री की वो है स्लिप, वो है क्लिप्स जिनमें वो कहते हैं कि वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना। मैं चाहता हूं कि इस बार वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना। उनकी लाशों पे खड़े होकर जो सरकार बनी उसने आज तक उस मामले की कोई जांच नहीं कराई है। और आज मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने प्रस्ताव पास कर दिया है कि इसकी जांच होनी चाहिए, श्वेत पत्र आना चाहिए और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के देखभाल में होनी चाहिए। मुझे तो हर रोज आता था कि आप यहां बैठ के चाय मत पिया करो, पाकिस्तान के शूटर आए हुए पहाड़ी पे, आपको कोई मार देगा। मुझे तीसरे दिन जनरल्स 2-2 मिलने आते थे कि साहब आप सड़क से क्यों जाते हो एयरपोर्ट, आपको बंप ऑफ करने के लिए पाकिस्तान ने आईडी एक्सपर्ट भेजे हुए हैं। खैर वो हमारे यहाँ एक सुविधा थी कि हेलीकॉप्टर जाता था इसका अपना हमारा खुद का, यहाँ से जो राजभवन था वहां से एयरपोर्ट तक मैं उससे चला जाता था, लेकिन सख्त हिदायती रहती थी तो खैर मैं उसको मानता था। लेकिन इसकी जो जानकारी थी कि ये पुलवामा में ऐसा होगा वो मेरी जानकारी में नहीं, पहले से कहते मैं इमीडिएटली करा देता, लेकिन उन्होंने होम मिनिस्ट्री से कहा और होम मिनिस्ट्री ने उनको 5 जहाज नहीं दिए। ये जांच करने की चीज है और इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि कौन जिम्मेवार है। अगर ये कॉन्वॉय नहीं होता और उससे जहाज से लोग आए होते तो कोई जान का नुकसान नहीं होता। इसमें ये भी गलती हुई, मैं गया था उस जगह जहां ये स्पोर्ट हुआ था, उस एरिए में 10 किलोमीटर की दूरी पे दोनों तरफ 8-10 लिंक रोड मिलती हैं मेन हाईवे में, एक भी मैन नहीं थी, कहीं भी कोई जिप्सी नहीं ट्रैफिक को रोकने के लिए कि भाई हमारा कॉन्वॉय जा रहा आप इसमें मत आइए। जबकि मैं हमारी जो फोर्सेज आती थी तो मैं श्योर करता था कि उस दिन कोई सिविल ट्रैफिक हाईवे पे नहीं जाएगा। तो ये
देश की सिक्योरिटी के साथ इस स्तर पे खिलवाड़ हुआ और अभी भी हो रहा है। अभी पता नहीं कहां कहां क्या क्या होगा। मेरे बहुत सारे अंदेशे हैं मेरी, और ऐसे ही नहीं है, मेरी जानकारी है कि ये कुछ ना कुछ चुनाव से पहले करेंगे, जो इनकी फितरत है, जो इनकी आदत है, जो गुजरात में करते रहे, देश में करते रहे, ये राम मंदिर पे गोला फेंकवा सकते हैं, ये किसी बीजेपी के बड़े नेता का कत्ल करा सकते हैं, ये भारत पाकिस्तान की मेरी डेफिनेट जानकारी है कि हमारे एनएसए दुबई क्यों जा रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, वहां पाकिस्तान के जनरल से बात करते हैं और मिली जुली कुश्ती करेंगे कि हम 4-5 दिन के लिए घुसेंगे, फिर हम आ जाएंगे, आप रिटेलिएट मत करिएगा। तो ये भी हो सकता है पाकिस्तान वाला भी, तो इस तरह की चीजें होंगी, तो इसके लिए हमको अपनी जो जनता है उसको सावधान करना पड़ेगा। ये सांप्रदायिक तनाव वाला तो मुझे अंदाजा था पहले से, तो मैं आपके माध्यम से देश की जनता को, लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि सब अप्रत्याशित चीजों के लिए तैयार रहिए, और ये समझ जाइए कि ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए चीजें की जा रही हैं, वोट के लिए की जा रही हैं। और आपसे भी मैं सहयोग की अपेक्षा करूंगा कि आप इस बात को फैलाएं और बताएं कि वोट के लिए यहाँ कुछ भी किया जा सकता है। मेरे जीवन में ये बदलाव आया कि मेरी पूरी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई, मेरे पास ऑलमोस्ट सेट प्लस सिक्योरिटी थी, अब मेरे पास एक सिपाही है, सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई। जम्मू कश्मीर का गवर्नर और जिसने 370 हटाने में मुख्य भूमिका, मकान भी दिया जाता है दिल्ली में, वो अब मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, और एक सिपाही है सिर्फ एक, में दो सिपाही आते हैं और बस के अलावा कोई सिक्योरिटी नहीं है, बाहर जाता हूँ तो कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, ये बदलाव आया है। लेकिन मैं चूंकि उन एरिया से आता हूँ जहाँ खौफ नाम की चीज, ना धमकियों से डरता हूँ, ना मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह है। और एक चीज और मैं आपके जरिए कह दूं, कोई भी अटेम्प्ट अगर मेरी जिंदगी पे होता है तो मेरे लोग इनसे ऐसा बदला लेंगे कि याद रखेंगे, उसके बाद ये भी नहीं बचेंगे, तो इनको सावधानी के साथ डील करना चाहिए मुझे। थैंक यू।